गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम लीना यादव फ्रॉम भारती कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी एंड टू दिस योर लेक्चर इज हाइड्रोलॉजी दैट इज़ अ पार्ट ऑफ बी फिफ्थ सेम। ओके, तो हम स्टडी करेंगे कि प्रेसिपिटेशन को तो नेक्स्ट लेक्चर पे हम पूरा स्टडी कर चुके हैं। अब नेक्स्ट पार्ट है इसका इवेपोरेशन। ठीक है, तो इवेपोरेशन पे हम इसका बेसिक जो फिनोमिना है वो तो स्टडी कर चुके हैं। अब हम देखते हैं कि इसका मेजरमेंट कैसे होता है। ठीक है, तो ये नेक्स्ट वीडियो है जिसपे हम सिर्फ और सिर्फ मेजरमेंट का स्टडी करेंगे। ओके, तो अब देखते हैं हम इवेपोरेशन में मेजरमेंट को कैसे एनालाइज करते हैं। ठीक है, इवेपोरेशन। ठीक, तो ये आपको एक इक्वेशन याद रखना है जो कि आपको एज अ न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है। ई एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई एस माइनस ई ए। ठीक है, और जब इस हम प्रोपोर्शनैलिटी को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट वैल्यू लगती है सी, देन सेम आपका एज इट इज ई एस माइनस ई ए। ठीक है, जहां पे आपका ई एल है इवेपोरेशन, इवेपोरेशन, और ये है आपका ई एस जो है सैचुरेटेड वेपर प्रेशर, ई एस है आपका सैचुरेटेड, सैचुरेटेड वेपर प्रेशर, जबकि आपका ई ए जो है वो एक्चुअल वेपर प्रेशर है। ठीक है, एक्चुअल वेपर प्रेशर। ठीक, ठीक है, तो ये वाला आपको इक्वेशन याद रखना है। ठीक, अब हम देखेंगे कि इवेपोरेशन को हम मेजरमेंट कैसे करते हैं। ओके, अब इस इक्वेशन से एक बार देख लीजिए कि इवेपोरेशन जो है वेपर प्रेशर और एक्चुअल वेपर प्रेशर दोनों पे डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे जैसे हम स्टैंडर्ड सैचुरेटेड वेपर प्रेशर और स्टैंडर्ड एक्चुअल वेपर प्रेशर को इंक्रीज करते हैं, आपके इवेपोरेशन की वैल्यू भी इंक्रीज होती जाती है। ठीक है, और सी जो है वो आपका कोफिशियंट कांस्टेंट है। ठीक है, कांस्टेंट ऑफ कोफिशियंट, कांस्टेंट ऑफ कोफिशियंट। ओके, अब सबसे पहला जो मेजरमेंट है इवेपोरेशन का उसको बोलते हैं हम क्लास ए इवेपोरेशन पेन। ओके, सबसे पहला जो मेजरमेंट है आपका इवेपोरेशन का वो है आपका क्लास ए इवेपोरेशन पेन। ओके, इसमें क्या होता है, हम इवेपोरेशन को मेजर करते हैं। ठीक है, इसके लिए हमारे पास एक गैनवलाइज आयन पैन होता है। ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, अपना जो वाटर है उसको कलेक्ट फील करके रखते हैं। ठीक है, देन उसके बाद मेजर करते हैं कि कितने अमाउंट ऑफ वाटर जो है इवेपोरेट हुआ है। ठीक, तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारा जो गैनवलाइज आयन पैन जो है वो कैसा है। ओके, सबसे पहले ये देखो कि ये आपका एक पैन है। ओके, ये आपका एक पैन है। ठीक है, आपको याद रखना है कि ये गैनवलाइज्ड आयन पैन है। ओके, ये सर्कुलर फॉर्म में रहेगा जिस पे हम क्या करते हैं, आपका वाटर जो है फिल रहता है। ओके, इसी वाटर में कितने अमाउंट ऑफ इवेपोरेट हुआ है ये हमको मेजरमेंट करना है। ठीक है, जो इसका अपर डायामीटर होता है वो होता है आपका 1210 mm। ओके, अपर डायामीटर जो है इस पैन का, गैनवलाइज्ड आयन पैन का। ठीक है, और टोटल जो डेप्थ है इस पैन का वो होता है आपका 255 mm। ओके, और सिर्फ हम क्या करते हैं, जितने अमाउंट, जितने एरिया पे हम वाटर स्टोर करते हैं उसका अलग से डेप्थ होता है, वो है आपका 180 टू 200 mm पे हम क्या करते हैं वाटर स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, तो ये है आपका सिंपल क्लास ए इवेपोरेशन पैन। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये वाला जो है इसमें हम सिर्फ वाटर स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, सनलाइट जो है टॉप पोर्शन से आएगी। ओके, और यहाँ पे ये वाले सरफेस से जितने अमाउंट ऑफ वाटर है उसको क्या करेगी, इवेपोरेट करेगी। ठीक है, तो इस इवेपोरेशन को हम क्या करते हैं, इस गैनवलाइज्ड आयन पैन से हम क्या करेंगे, मेजरमेंट करेंगे। ओके, तो इसका आपको याद रखना है, इसका डायामीटर कितना है, टोटल डेप्थ कितना है, और कितने एरिया पे हम इसमें वाटर को है एंटर करते हैं। ओके, तो ये है आपका फर्स्ट क्लास इवेपोरेशन पैन। ठीक है, इसके थ्रू हम क्या करेंगे,
इवेपोरेशन को मेजर करते हैं। अब आपका सेकंड जो है जिसको इंडियन आईएसआई ने प्रोवाइड किया है उसको बोलेंगे हम स्टैंडर्ड आईएसआई पैन। ओके, तो आपका सेकंड जो है जिसमें हम इवेपोरेशन मेजर करते हैं वो है आपका आईएसआई स्टैंडर्ड पैन। ओके, ये देखो इसका भी सेम प्रोसीजर होता है लेकिन लिटिल बिट इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो डिफरेंस आप इसमें स्टडी करोगे। अब देखते हैं सिंपल, ये भी आपका क्या होता है, एक इसमें भी आपका एक पैन रहेगा। ओके, ये आपका एक पैन है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं हम अगेन वाटर फिल करते हैं इस पैन पे। ओके, देन इसका जो डीप रहता है मतलब डायमीटर जो है इस पैन का ये थोड़ा सा ज़्यादा रहता है एज़ कम्पेयर टू क्लास ए इवेपोरेशन के, ठीक है। इसका जो डायमीटर है 1220 mm का डायमीटर है इसका। ओके, और जो टोटल डेप्थ है इस पैन का ये है आपका 255 mm। ओके, जो इसका डेप्थ है। ओके, और सेम एज इट इज़ हम इसमें जो वाटर जो स्टोर करते हैं वो भी कितना होगा आपका 180 to 200 mm। ओके, इतने डेप्थ पे हम वाटर स्टोर करके रहते हैं। सिर्फ इस पे क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है, ये जो था आपका गैनवलाइज्ड आयन पैन होता है, ठीक है, लेकिन ये जो है आपका सेकंड वाला जो है ये है आपका कॉपर का, ठीक है। ये आपका मोड ऑफ कंपोजिट साइट, ये है आपका कॉपर का पैन। ओके, कॉपर पैन, हम ISI स्टैंडर्ड पैन को कॉपर के लिए इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि इसमें रस्टिंग की प्रॉब्लम जो है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होती है, इसलिए हम क्या करते हैं जनरली ये वाला प्रेफर करते हैं। और इंडिया में जो आपका इवेपोरेशन मेजरमेंट के लिए जो आपका पैन यूज़ होगा वो है आपका ISI स्टैंडर्ड पैन, ठीक है। इंडिया में हम इसी पैन का हम यूज़ करते हैं, ठीक। ओनली डिफरेंस क्या होगा इस पैन में, डिफरेंस ये है कि ये जो फर्स्ट पैन था क्लास ए वो किसमें था गैनवलाइज्ड का, जबकि इस पैन पे क्या किससे बना है ये कॉपर का, ठीक है। और इसका जो डायमीटर है फर्स्ट पैन का उसमें डिफरेंस है 1210 का है जबकि सेकंड पैन जो है 1220 का है। अब देखो इस पैन के जो टॉप सरफेस में हम क्या करते हैं, इसके टॉप सरफेस में हम गैनवलाइज्ड आयरन वायर अटैच कर देते हैं, ठीक है। ये जो वायर रहेगा इस पे, ओके, इस सीक्वेंस में हम इसमें वायर अटैच कर देते हैं, ठीक है, इसके टॉप सरफेस पे। अब वायर अटैच करेंगे तो ऑब्वियसली इसका इवेपोरेशन जो है कम आता है, ठीक। तो क्या करते हैं हम यहाँ पे वायर अटैच कर देते हैं, और मेन पर्पस क्या है इस वायर को अटैच करने का, क्योंकि इसमें कुछ हार्मफुल सब्सटेंस जो है इस पैन के अंदर एंट्री ना करें, इसलिए हम क्या करते हैं एक वायर अटैच कर देते हैं, ठीक है। हेक्सागोनल प्लेट और है ये गैनवलाइज्ड वायर, ओके, ये प्लेन जो है हेक्सागोनल है, देन इसमें हम क्या करते हैं जीआई वायर अटैच करते हैं। सिर्फ डिफरेंस ये है कि इसमें हम जीआई वायर अटैच करते हैं और इसका डायमीटर ज़्यादा होता है, प्लस ये कॉपर पैन से बना होता है। ओके, तो आपको याद रहेगा कि इसमें बेसिक डिफरेंस क्या है दोनों में, फर्स्ट पैन जो है गैनवलाइज्ड आयरन से बना हुआ है फर्स्ट पैन, जबकि सेकेंड पैन जो है वो कॉपर से बना हुआ है। ओके, और फर्स्ट पैन का जो डायमीटर है 1210 है जबकि सेकंड पैन का है 1220, और फर्स्ट पैन का जो टॉप सरफेस है, ठीक है, उसका जो पैन है अपर सरफेस वो ओपन रहेगा एटमॉस्फेयर पे, जबकि सेकंड पैन पे हम क्या करते हैं गैनवलाइज्ड आयरन वायर अटैच कर देते हैं, ठीक, क्योंकि इसमें रस्ट और कॉपर है, प्लस इसमें कॉपर से बना हुआ है, और प्लस इसमें हम क्या करते हैं वायर अटैच करते हैं ताकि कोई भी डस्ट पार्टिकल्स जो है रस्ट मटेरियल है वो इसके अंदर एंट्री ना करें। ओके, तो ये रहा आपका ISI स्टैंडर्ड पैन। और आपको पूछा जाएगा कि इंडिया में कौन सा होता है, तो ISI स्टैंडर्ड पैन हम यूज़ करते हैं, ठीक है। और क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि हमको क्या करता है इवेपोरेशन क्या करना है इसमें हमको कम शो कर रहे हैं, ठीक है, जबकि हम इसमें वायर अटैच किए हैं इसलिए इसमें इवेपोरेशन जो है कम शो होता है। ओके, अब हम देखते हैं कि इसका मेजरमेंट कैसे करेंगे, ठीक। तो आप तो इंस्ट्रूमेंट इसका देख लिए कि कैसे कैसे यूज़ होता है। अब सपोज हमको क्या करना है किसी लेक का इवेपोरेशन निकालना है, ठीक है। तो सपोज हम लेक का इवेपोरेशन कैलकुलेट करते हैं, किसी भी लेक का इवेपोरेशन,
लेक का इवेपोरेशन जब हम कैलकुलेट करते हैं तो वो होगा, लेक इवेपोरेशन कैलकुलेट करते हैं ये होगा आपका सीपी इनटू पैन इवेपोरेशन, पैन इवेपोरेशन। ओके, यहाँ पे पैन इवेपोरेशन क्या होगा आपका, आई एस हाई स्टैंडर्ड पैन से जो वैल्यू आएगी उसको पुट करेंगे, जबकि आपका सीपी में क्या करेंगे, ये आपका है पैन कांस्टेंट है ये, ठीक है, इसको बोलते हैं हम पैन कांस्टेंट। और इस सीपी की वैल्यू अगर हम दो अलग अलग टाइप्स के इवेपोरेशन पैन यूज़ करेंगे तो दोनों की वैल्यू अलग अलग होगी। सपोज हम लेते हैं आई एस आई में, ठीक है, आई एस आई स्टैंडर्ड पैन लेते हैं अगर, तो सीपी की वैल्यू क्या होगी 0.84 आई एस आई पैन। ओके, और अगर हम नॉर्मल क्या करते हैं क्लास ए पैन अगर लेते हैं, ठीक है, क्लास ए अगर पैन हम लेते हैं तो सीपी की वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी 0.7, ओके 0.7 पैन। तो ये रहा आपका दोनों की वैल्यू। अब सपोज हम इसमें क्या करते हैं, इसको आई एस आई कंसिडर करते हैं, तो सीपी की वैल्यू 0.84 इंटू आपका जो पैन से आप क्या करोगे इवेपोरेशन मेजर करोगे। ओके, तो ये रहेगा आपका आई एस आई पैन इवेपोरेशन। ओके, तो ऐसे आप इसका कैलकुलेशन करोगे, ठीक है, आपको ये दोनों वैल्यू याद रखनी है कि कब किस टाइम पे हम कौन सा इवेपोरेशन यूज करते हैं। ठीक, अब इसके बेस पे क्या करोगे, किसी भी लेक का या वेल का आप क्या करोगे इवेपोरेशन कैलकुलेट कर सकते हो। अब देखते हैं कि जो अपना इंडियन स्टैंडर्ड जो कोड है, ठीक है, वो क्या है, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है अपना इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो स्टैंडर्ड वैल्यूज दी हुई है, ठीक है, कि मिनिमम हमारे पास इतना इवेपोरेशन होना चाहिए पर्टिकुलर एरिया का, वो देखते हैं। ठीक है, तो अगर थर्ड टॉपिक है मिनिमम इवेपोरेशन रिक्वायर्ड अकॉर्डिंग टू इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ठीक है, सपोज आपका जो एरिया है, ओके, वो क्या है एरिड जोन पे आता है, मतलब शुष्क जोन पे आएगा, ठीक है, तो वहाँ पे मिनिमम जो है किसी भी वन स्टेशन पे इवेपोरेशन की वैल्यू जो है, ठीक है, कितनी होनी चाहिए वो हमको इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट बताया हुआ है। ठीक है, इन वन स्टेशन आपका होगा 3000 किलोमीटर स्क्वायर पे, ठीक है, ये आपका स्टैंडर्ड है, आपको इसको याद रखना है। और सपोज आपका एरिया जो है वो है ह्यूमिडिटी जोन पे है, ठीक है, ह्यूमिडिटी जोन पे आपका आपका एरिया अगर आता है, ठीक, तो क्या होगा आपका वन स्टेशन पे आपके मिनिमम इवेपोरेशन होना चाहिए किसी भी वन स्टेशन पे 50,000 किलोमीटर स्क्वायर। ओके, अगर आपका एरिया कौन सा है ह्यूमिडिटी जोन पे आता है तो, और इस इंडिया में जो है वो स्टैंडर्ड है, ठीक है, इंडिया का जो स्टैंडर्ड है वन स्टेशन पे वो है 220 किलोमीटर स्क्वायर पर वन स्टेशन पे, ठीक है, पर वन स्टेशन पे। तो ये है आपका इवेपोरेशन का पूरा डिटेल, ठीक है, आपको एज अ कॉम्पिटिटिव वाइज आपको ये डाटा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, प्लस आपको ये वाला मिनिमम इवेपोरेशन कितना आपको रखना है ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं कि क्या कौन सा जो टॉपिक्स हैं वो हम कवर किए हैं। सबसे पहले आप देखोगे कि ये वाला फॉर्मूला, ठीक है, जिसमें इवेपोरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टैंडर्ड वेपर प्रेशर के और एक्चुअल वेपर प्रेशर के, ठीक, तो जैसे जैसे हम स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल वेपर प्रेशर इंक्रीज करेंगे अपनी इवेपोरेशन की वैल्यू इंक्रीज होगी, और जैसे जैसे हम वेपर प्रेशर की वैल्यू डिक्रीज करते हैं इवेपोरेशन ऑटोमेटिकली क्या होगा डिक्रीज हो जाएगा। तो आपका इवेपोरेशन और वेपर प्रेशर दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। ओके, देन आपका जो मेजरमेंट वाला टर्म्स आता है वो है आपका क्लास ए इवेपोरेशन और आई एस आई स्टैंडर्ड पैन इवेपोरेशन। ओके, डिफरेंस सिर्फ इसमें इतना है कि इसके पैन में हम कवर अप प्लेट या वायर नहीं अटैच करते, जबकि आई एस आई में हम क्या करते हैं प्लेट, गैनोलाइज्ड प्लेट अटैच करते हैं। ठीक है, और आपका क्लास ए जो है वो गैनोलाइज्ड आयरन प्लेट से बना है, जबकि आपका आई एस आई जो है कॉपर प्लेन से बना हुआ है। ठीक है, इसमें डायमीटर का डिफरेंस आता है सिर्फ, इसका डायमीटर 1210 जबकि आपका
इंडिया वाला जो है वो 1220 है, ओके। देन उसके बाद है आपका किसी भी लेक का या वेल का या रिवर का इवेपोरेशन आपको मेजरमेंट करना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, स्टैंडर्ड पैन का कोई भी वैल्यू ले लोगे जो आप इस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करोगे वो डाटा, देन आप सीपी की वैल्यू रखोगे। सीपी की वैल्यू जब आपका आईएसआई पैन लोगे तो 0.84 और क्लास ए के लिए क्या लोगे, 0.7, ठीक है। देन उसके बाद मिनिमम इवेपोरेशन रिक्वायर्ड होता है अलग अलग जोन के लिए। अगर आपका एरिड जोन है तो 3000, ह्यूमिडिटी जोन है तो 50,000 और इंडिया का 220 किलोमीटर पर स्टेशन है, ओके। तो ये है आपका इवेपोरेशन। द नेक्स्ट लेक्चर पे हम आगे का प्रोसीड करेंगे, ओके। थैंक यू।